हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है यूट्यूब कोमल किचन में। फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं लौकी की दही वाली सब्जी। आज मैं आपको यह अलग तरीके से बना के बताऊंगी, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही स्वादिष्ट लगती है, तो आप भी जरूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं लौकी की दही वाली सब्जी बनाना। तो देखिए, सबसे पहले हमने ये बाउल लिया है, इसमें हम बॉईल की हुई लौकी डाल लेंगे। तो मैंने पहले ही बॉईल कर रखा है लौकी को। ये देखिए, इसका पानी भी अच्छे से मैंने झाड़ लिया है। अभी हम इसको बाउल में निकाल लेंगे। ये मैंने एक लौकी लिया है, अभी इसको थोड़ा ठंडा होने देते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड, ठंडा हो गया है। अभी हम इसमें डालेंगे रेड मिर्च पाउडर। तो इसमें आधा चम्मच छोटा रेड मिर्च पाउडर डालेंगे, आधा छोटा चम्मच इसमें हम हल्दी पाउडर डालेंगे, और ये नमक अब थोड़ा डालेंगे क्योंकि हमें बाद में भी डालना है। तो मैंने आधा छोटा चम्मच नमक डाला है, और ये हम अदरक का पाउडर है, इसको सौंठ भी बोल सकते हो आप, इसको डाल देंगे। अगर आपके पास नहीं है तो आप जिंजर का पेस्ट बना के भी डाल सकते हो। और ये हम लहसुन का पेस्ट डाल देंगे इसमें। अभी हम बारीक कटे हुए प्याज डाल देंगे। मैंने छोटा एक बारीक कटा हुआ प्याज लिया है, ये इसमें मैंने डाल दिया है। एक बारीक कटी हुई हरी मिर्च डाल देंगे। अभी हम 3 चम्मच के करीब फेटा हुआ दही डाल देंगे इसमें। दही ज़्यादा खट्टा नहीं होना चाहिए, और इसको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो फ्रेंड्स, अगर इस तरह आप सब्जी बनाओगे लौकी की, तो इसमें बिल्कुल भी झंझट नहीं है और बिल्कुल टाइम नहीं लगता है, क्योंकि लौकी हम पहले से बॉईल करके रख लेते हैं। और इस तरह बनाओगे तो सच में ही बहुत ही टेस्टी, चटाकेदार और बहुत ही मज़ेदार सब्जी बनेगी। तो आप जो नहीं भी खाता वो भी सब्जी खाएगा, तो बहुत ही अच्छी बनती है ये सब्जी। तो आप एक बार मेरे कहने से ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो अभी हम इसको ढक के छोड़ देते हैं, अभी हम कढ़ाई की तरफ चलते हैं। तो देखिए, कढ़ाई में मैंने ऑयल डाल लिया है, ये मैंने सरसों का ऑयल लिया है, आप रिफाइंड ऑयल भी ले सकते हो। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, अभी हम इसमें आधा चम्मच जीरा डाल देंगे। जीरे को अच्छे से ब्राउन होने देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड, जीरा ब्राउन हो गया है, आपको दिख ही रहा होगा। अभी हम एक बारीक कटा हुआ प्याज डालेंगे इसमें, और साथ में 2 हरी मिर्च बारीक कटी हुई डालेंगे। तो हमने पहले भी हरी मिर्च डाली है, तो 3 हरी मिर्च हो जाएगी। और ये तीखे वाली हरी मिर्च है, तो मैंने 2 ही ली है। आप ज़्यादा कम कर सकते हो, स्किप भी कर सकते हो, लेकिन हरी मिर्च से क्या होता है कि इसका अलग ही टेस्ट आता है। तो हरी मिर्च डालना फ्रेंड्स बहुत ज़रूरी होता है। तो इसको हम गोल्डन ब्राउन होने तक हरी मिर्च और प्याज को अच्छे से फ्राई कर लेंगे। अभी हम थोड़ा इसको, ये फ्राई हो गए हैं, तो इसमें हम ये डाल देंगे पेस्ट किया हुआ टमाटर। ये मैंने एक पेस्ट कर लिया था, इसका टमाटर का पेस्ट डाल लिया इसमें, और इसको हम अच्छे से पका लेंगे। तो इसको हम 2 मिनट के करीब अच्छे से हमें पकाना है। तो ये देखिए फिर 2 मिनट हो चुके हैं, और ये कम भी हो गया है, ऑयल ऊपर आ गया है, तो ये हमारा टमाटर अच्छे से पक चुके हैं। अभी हम मसाला फ्राई करते हुए इसमें पानी नहीं डालेंगे, क्योंकि हमने टमाटर का पेस्ट डाला है। तो ये आधा चम्मच मैंने हल्दी पाउडर लिया है, गैस को स्टर मीडियम रखना है, और 1 चम्मच के करीब इसमें मैंने धनिया पाउडर लिया है, और आधा छोटा चम्मच इसमें हम रेड मिर्च पाउडर डालेंगे, क्योंकि मैंने मिर्च पाउडर पहले भी हमने लौकी में डाला हुआ है। नमक भी अपने हिसाब से डालना, क्योंकि हमने पहले नमक डाल दिया है। तो आधा चम्मच इसमें मैं नमक ले रही हूँ, और इसको हमें अच्छे से मिक्स कर डालना है, और गैस को हमें एकदम मीडियम रखना है, पानी इसमें नहीं डालेंगे। टमाटर के साथ इसमें हम 1 मिनट इसको अच्छे से पका लेंगे। देखिए फ्रेंड, मसाला अच्छे से पक चुका है, आपको दिख ही रहा होगा, 1 मिनट हो गया है, और ऑयल, मसाले ने ऑयल छोड़ दिया है। अभी हम इसको मिक्स करके अभी हम इसमें डाल देंगे लौकी जो हमने रेडी करके रखी थी पेस्ट बना के। तो देखिए, इस तरह लौकी का कलर ही चेंज हो गया, आपको दिख ही रहा होगा। इसको बाउल को हम बाद में धो के डालेंगे, पहले लौकी को हम अच्छे से मसाले में पकाएंगे, उसके बाद हम इसमें बाउल को धो के थोड़ा सा पानी डालेंगे। तो इसको हम अच्छे से मिक्स करके और 2 मिनट के करीब हम इसको ढक के पकाएंगे मसालों के साथ, जिससे क्या होता है कि मसाला लौकी अच्छे से अब्जॉर्ब कर लेगी और बहुत ही टेस्ट आएगा। तो इसको हम ढक देते हैं।
और दही डालने से तुरंत फ्रेंड्स हमें चम्मच को हिलाते ही रहना है। तो ये मैंने आपको बताया नहीं था, अभी बता रही हूँ, तो दही हमारा फटेगा नहीं। तो ये देखिए 2 मिनट हो गए हैं, कितना अच्छा कलर आ गया है। अभी हम इसमें अच्छे से इसको चम्मच को चला के और इसमें थोड़ा सा बाउल को धो के इसमें पानी डाल देंगे। जो मसाला पहला बचा हुआ वो भी इसमें आ गया है, बाउल को धो के हमने पानी डाल दिया है। अभी हम इसको 1 मिनट के करीब अच्छे से पका लेंगे, पानी थोड़ा जल जाएगा, ग्रेवी थोड़ी थिक हो जाएगी। तो देखिए 1 मिनट हो चुका है, हमने अच्छे से लौकी को पका लिया है। ये देखिए कितना अच्छा कलर आया है, आपको दिख ही रहा होगा, और बहुत ही अच्छी खुशबू भी आ रही है फ्रेंड्स, तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अभी हम इसमें हरा धनिया ऐड कर देते हैं, जो मैंने बारीक कट करके रखा था। तो हरा धनिया अगर आपके पास है तो आप डाल सकते हो, नहीं स्किप भी कर सकते हो, हरा धनिया से और भी अच्छा टेस्ट आ जाता है। तो इसको हमने अच्छे से मिक्स कर दिया है, हरा धनिया डालने के बाद इसको हम 20 सेकेंड और पका लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स 20 सेकेंड हो गए हैं, मैंने गैस को बंद कर दिया है। अभी हम सर्विंग बाउल लेंगे, उसमें मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स सर्विंग बाउल ले लिया है मैंने, इसमें निकाल के दिखा रहे हैं। तो ये देखिए कितनी मज़ेदार सब्जी लग रही है, कितना अच्छा कलर आया है, आपको दिख ही रहा होगा, बहुत ही देखने में प्यारी लग रही है। और इसमें टाइम तो बिल्कुल नहीं लगा है, इसमें थोड़ा सा हम हरा धनिया, ये देख गार्निश के लिए हरा धनिया डाल दिया है। तो ये देखिए कितनी अच्छी लग रही है देखने में, और इसमें बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता। तो फ्रेंड्स अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर कर देना, और बेल आइकन का बटन भी ज़रूर प्रेस कर देना, जिससे मेरी हर आने वाली वीडियो सबसे पहले देखने के लिए और लास्ट तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।